हाउ टू क्रिएट एमेजॉन बिजनेस सेलर अकाउंट। क्या कहा, हम लोग भी अपना एमेजॉन पे स्टोर क्रिएट कर सकते हैं, अपनी क्या हम लोग मोबाइल के जरिए भी बना सकते हैं। आप ये सारी बातें फ्री में बता रहे हैं। सबसे पहले आप ये पूछेंगे कि आप कहां से सीखते हैं सारी की सारी चीजें। बेसिक मैं खुद वीएस का स्टूडेंट हूँ, जिसको एक्सट्रीम कॉमर्स बोला जाता है, जिसके लीडर या ओनर सनी अली है। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज हशाम अनवच, टेक्निकल एक्सपर्ट। मैं चलते हैं मोबाइल फोन की स्क्रीन पे, ताकि आप लोगों को अलिफ से लेके ये तक तमाम की तमाम बातें समझ आ जाए। गूगल पर आके आपने सर्च करना है अमेजोन सेलर्स अकाउंट। जिस तरह आप सर्च करेंगे, कुछ इस तरह की आपके सामने विंडो आएगी। सबसे पहले नंबर पे जो आपके सामने वेबसाइट आ रही है, आपने उसके ऊपर करना है क्लिक sellerscenteramazon.com। तो यहाँ से करते हैं हम साइन इन। अगर आपने अपना अकाउंट नहीं बनाया तो सबसे एंड पे आपको एक आ रहा होगा ऑप्शन रजिस्टर नाउ। हम यहाँ पे करते हैं टैप। यहाँ पे हमारे दोबारा नए सिरे से जो है वो आईडी बनेगी, अगर आपकी अभी तक नहीं बनी। साइन अप करते हैं तो यहाँ पर हम अपनी ईमेल एंटर करते हैं। ये याद रहे कि जो आपकी ईमेल होगी और जो आपका फ़ोन होगा, वो आपने पहले कभी भी अमेज़ॉन की वेबसाइट पे इंटर ना किया हो। अगर किया होगा तो सर यहाँ पे वो आपको दे देगा कि रीयूज नंबर, ठीक है। तो आपने ये मेक श्योर लाजमी करना है कि जो भी आपकी मेल हो, जो भी आपके सामने आप लगा रहे हैं मेल, वो आपने कभी अमेज़ॉन पे जो है वो पहले ना लगाई हो, ठीक है। अब देखिए मुझे ये ऑप्शन दे रहा है कि आपने ये वाली मेल पहले लगा ली है, तो इसके लिए हमें दोबारा फिर अपनी एक नई अलग मेल बनानी पड़ेगी जो हमने इस पर पहले कभी भी अप्लाई ना की हो, ठीक है। तो हम मेल अपनी वो एंटर करते हैं जो हमने अभी बैठ के बनाई है, तो वो लगाते हैं। आई होप कि वो एक्सेप्ट हो जाएगी। यहाँ पर थोड़ा बहुत इशू आ सकता है आपके इंटरनेट की लैगिंग की वजह से या फिर कुछ बग्स की वजह से, ठीक है। तो यहाँ पर हम वो वाली मेल एंटर करते हैं, पासवर्ड वगैरह सेलेक्ट करते हैं, इसको करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारे पास पजल गेम आ रही है। पजल गेम में वो आपको बता रहा है कि जो अलग सारा होगा आपने उसको क्लिक करना है। तो यहाँ पे टैप करते हैं तो आपका एक जो है वो क्लिक हो चुका है, डन हो चुका है। दूसरा फिर बता रहा है कि जो आपका अलग गैलेक्सीज है आपने उस पर क्लिक करना है। तो डन होने के बाद फिर आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरबोर्ड या डैशबोर्ड आ जाएगा अमेज़ॉन सेलर्स अकाउंट का। उसके बाद जो आपने यहाँ पे अपनी ईमेल इंटर की थी उसके ऊपर एक ओटीपी आएगा, ठीक है। वो आपने यहाँ पे कॉपी करना है। तो हमें वो वाली मेल अभी तक वसूल नहीं हुई, तो ये वाली मेल हमें आ चुकी है अमेज़ॉन की। हम यहाँ से इस वाले कोड को करते हैं कॉपी। कॉपी करने के बाद वहाँ पे करते हैं पेस्ट, ताकि हमारा अकाउंट वेरीफाई हो जाए। यहाँ पर कर दिया हमने अपना ओटीपी पेस्ट, वेरीफ़ाई कर दिया इसको। अगर आपको वसूल हो तो आप रिसेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट हमने यहाँ पे अपना मोबाइल फ़ोन सेलेक्ट करना है। सबसे पहले कंट्री सेलेक्ट करेंगे, पाकिस्तान 92। उसके बाद हम यहाँ पर अपना नंबर इंटर करेंगे। नेक्स्ट जो आप सर यहाँ पे अपना नंबर इनपुट करेंगे उसके ऊपर फिर एक ओटीपी कोड आएगा। अब ये एरर वगैरह वेबसाइट तो है नहीं, इसकी स्ट्रिकनेस भी काफ़ी ज़्यादा होती है, इसलिए ये आपसे कंफर्म करवाती है कि जी आप ही हैं या फिर कोई और बंदा। यहाँ पे हम अपना ओटीपी जो है वो सिलेक्ट करेंगे, इंटर करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास कुछ डैशबोर्ड इस तरह का आ जाएगा। तो सर नेक्स्ट विंडो हमारे पास कुछ इस तरह की है, वो आपसे पूछ रहे हैं वेलकम और कह रहे हैं कि आप क्या एक्सेप्टेड करते हैं या क्या एक्सेप्ट करते हैं हमसे। तो जो भी उन्होंने बता दिया हम इसको ओके करते हैं। ओके करने के बाद कुछ इस तरह हमारे पास डैशबोर्ड आएगा। बेसिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आप में सारी की सारी कलेक्ट करनी है कि आपका कंट्री कौन सा है। आपने सबसे पहले अपना कंट्री सेलेक्ट करना है, पाकिस्तान। अगर आप इंडिया से, इंडिया। अगर आप किसी भी और कंट्री से हैं तो आपने वो इसको सेलेक्ट करना है और एग्री एंड कंटिन्यूस पे क्लिक करना है। देन वो आपसे पूछ रहे हैं कि आपने बिज़नेस कौन सा करना है, ठीक है। मैं तो आपको यही कहूँगा कि आप इंडिविजुअल कर दें। अगर आपके पास कोई भी ब्रांड है तो फिर आप दूसरा भी कर सकते हैं। और याद रहे कि आपने यहाँ पे अपना नंबर वो देना है या आपने अपना नाम वो लिखना है जो आपके आईडी कार्ड पर लिखा है। अगर आप वो नंबर नहीं देते तो कल को आपकी पेमेंट का इशू हो सकता है। और याद रहे कि आप जब एंड पर पहुँचेंगे इस प्रोसीजर पर, तो आपका ये आईडी कार्ड भी कलेक्ट करेंगे। अगर आपका नाम मैच ना हुआ तो सॉरी फॉर दैट सेज, ये आपका फॉर्म रिजेक्ट कर देंगे। और दो दिन का टाइम होता है, दो दिन के अंदर अंदर ये वेरीफाई करते हैं आपके अकाउंट को जो आपने सेलर्स अकाउंट बनाया होता है। अब नेक्स्ट आगे यहाँ पे आपकी सारे की सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन आएगी जो आपने पहले सेलेक्ट कर दी वो। और नेक्स्ट आप दोबारा फिर अपना यहाँ पर कंट्री सेलेक्ट करेंगे, आपकी डेट ऑफ बर्थ आएगी और साथ में आपकी तमाम की तमाम डेट एंड डेज वगैरह आ जाएंगे। और ये याद रहे कि सर आपने यहाँ पे अपना क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड लाजमी इंटर करना है, जिसके ऊपर आपकी पेमेंट आएगी। अगर आप वो इंटर नहीं करते तो सर आपका अकाउंट फिर नहीं बनेगा, क्योंकि जब तक वो आप स्टेप कंप्लीट नहीं करेंगे आपको नेक्स्ट स्टेप का ऑप्शन ही नहीं देगा। तो वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, इसके लिए आप किसी दूसरे बंदे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो भी आपका बड़ा है, कज़न है, जो भी आपका रिश्तेदार या रिलेटिव है, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ हम यहाँ पर इंटर करते हैं। वो नेक्स्ट हमसे पूछ रहा है कि आप मंथ भी बता दें और ईयर भी बता दें आपका।
नेक्स्ट आपसे आइडेंटिटी प्रूफ पूछ रहा है और साथ में आपकी कंट्री दोबारा फिर पूछ रहा है। आइडेंटिटी हमारी नेशनल आईडी कार्ड ही है जो हमारा CNICA शनाख्ती कार्ड कहलाया जाता है। अगर आप यहाँ पे पासपोर्ट या अगर आप बाहर वाले कंट्री में रहते हैं तो आप यहाँ पे अपना पासपोर्ट भी सिलेक्ट कर सकते हैं आप वहाँ पे अपने कंट्री के ऑप्शन के हिसाब से। तो हम यहाँ पे अपना दोबारा फिर कंट्री सेलेक्ट करते हैं। नेशनल आईडी कार्ड जो भी आपका शनाख्ती कार्ड है CNIC है वहाँ पे एक मखसूस कोड होता है जो 33104 या 33103 या 33102 के नाम से शुरू होता है, तो वो आप यहाँ पे एंटर करेंगे। उसके बाद आप ये देखेंगे कि आपका जो आईडी कार्ड है वो कब एक्सपायर होने वाला है, कब बना था और कब एक्सपायर होगा। जब एक्सपायर होगा तो आपने सर वो डेट यहाँ पे एंटर करनी होगी। वो डेट सेट करने के बाद अब हम नेक्स्ट आते हैं कि वो आपसे पूछ रहे हैं आपका पोस्टल कोड क्या है। पोस्टल कोड याद रहे कि आपका जिप कोड होता है। जिप कोड या पोस्टल कोड एक ही चीज़ होती है जो आपका डाकखाना होता है उसका एक मखसूस कोड होता है। हर शहर का, हर इलाके का, हर एरिया का अलग होता है। कुछ लोग अपने सारे के सारे शहर का एक ही लिख देते हैं, कुछ लोग जो आपके सबसे नज़दीक तरीन डाकखाना होता है उसका लिख देते हैं। दोनों एक्सेप्टेबल हैं, दोनों कबूल हैं, दोनों ही काम करते हैं, दोनों ही चलेंगे। ठीक है, अब इसको हम करते हैं कंफर्म और करते हैं यहाँ से नेक्स्ट जो भी आपका यहाँ पे होगा। उसके बाद आपसे वो पूछ रहा है कि सर आप पेमेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे इनपुट कर दें। पेमेंट इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आपका क्रेडिट कार्ड का जो नंबर आएगा, उसके बाद उसकी एक्सपायरी डेट, उसके बाद जिस बंदे के नाम वो क्रेडिट कार्ड है वो आप यहाँ पे इंटर करेंगे। याद रहे कि अगर आपका नहीं है तो आप किसी दूसरे बंदे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें कोई भी मसला इतना नहीं है। सर जब आप इंटर कर देंगे तो वो आपसे पूछेगा क्या आप एक ब्रांड होल्ड करते हैं, तो नहीं। दूसरे में वो ये पूछ रहा है क्या आप अपने प्रोडक्ट सेल आउट करना चाह रहे हैं कि जो अमेजोन पे पहले ही मौजूद है वो, तो हम जो पहले ही मौजूद हैं वो यहाँ पे सेल आउट करेंगे। तो नेक्स्ट आप इसके ऊपर कर देंगे क्लिक और इसको कर देंगे कंटिन्यूस। वो आपसे ये पूछ रहा है कि आप क्या क्या सेल आउट कर सकते हैं और क्या क्या प्रोडक्ट आप सेल आउट करेंगे, तो आप इनमें से एक भी सिलेक्ट कर सकते हैं, दो भी या तीन भी। अगर तो आपने किसी और की ही सेल आउट करनी है, अपने पेज पे लगानी है, तो आप फिर 10 या 11 सेलेक्ट आउट कर सकते हैं और अपने स्टोर पे उसको लगा सकते हैं ताकि आप ड्रॉप शिपिंग भी कर सकें उसको आसानी के साथ। ड्रॉप शिपिंग वाली वीडियो आपको ए बटन में मिल जाएगी। जौन से प्रोडक्ट आप सिलेक्ट कर लेंगे उसके ऊपर इस तरह का ग्रीन कलर का एक ऑप्शन आ जाएगा। जो जो आप करते जाएंगे वो ग्रीन कलर का ऑप्शन आपको उसके साथ साथ अवेलेबल होता जाएगा, जो आपको ये बताएगा कि आपने ये वाले प्रोडक्ट्स जो हैं वो सिलेक्ट कर ली हुई हैं। तो नेक्स्ट वो आपसे ये क्वेश्चन कर रहा है कि सर आप अपनी बैंक की स्टेटमेंट यहाँ पे जो है वो लगा दें, अटैच कर दें। तो स्टेटमेंट किस तरह निकाली जाती है वो वीडियो भी आप देख सकते हैं, लिंक आपको मिल जाएगा। तो स्टेटमेंट आप लगाएंगे उसके बाद आप इसको कर देंगे सबमिट। स्टेटमेंट के बाद वो आपसे ये पूछ रहा है कि सर आप यहाँ पे अपना आईडी कार्ड या शनाख्ती कार्ड उसकी फ्रंट कॉपी और बैक कॉपी दोनों ही अटैच करें यहाँ पर, उसके बाद फिर आप इसको कंटिन्यूस करेंगे। तो वो आपको कह रहे हैं कि आपका जितना भी डाटा कलेक्ट किया है वो हम तक पहुँच गया है और 2 दिन के अंदर हम आपको बता देंगे कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हुआ है या सिलेक्ट हुआ। अगर रिजेक्ट हुआ तो क्यों हुआ वो तमाम की तमाम तफसील आपको आपकी मेल के अंदर बता देंगे। तो मेक श्योर कीजिएगा कि जो जो भी आपको बताया गया आप ध्यान से सही सही करके उसको इनपुट करें। सर ये थी आज की वीडियो, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी कि आपने किस तरह अमेज़न का बिजनेस अकाउंट क्रिएट करना है। या आपको इस तरह की वीडियो से चाहिए ही चाहिए तो क्या कर रहे हैं यार, इस वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको तमाम की तमाम इस तरह की वीडियोस मिलती रहे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आप लोग रखिएगा अपना बहुत ज्यादा ख्याल और मुझे भी रखिएगा अपनी दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज़।